केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने IMA कॉन्क्लेव में लीडरशिप का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई आर्थिक क्रांति होगी तो मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों की वजह से होगी। इंदौर में एक बार फिर मैनेजमेंट महाकुंभ हुआ, जिसमें बिजनेस लीडर्स ने बताया कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा। साथ ही स्टार स्पीकर मंत्री गडकरी ने लीडरशिप का मंत्र देते हुए कहा कि देश में ऐसे चुने हुए लोग होते हैं जो देश का इतिहास लिख सकते हैं, वहीं लोग जनता को नेतृत्व देते हैं जो जीवन में कुछ न कुछ करके दिखाते हैं। देश में अगर कोई आर्थिक क्रांति होगी उसमें मैनेजमेंट का काम करने वाले होंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, पावर कॉस्ट अगर हम कम करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को उपयोग करके बहुत सुधार। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि मैनेजमेंट की लीडरशिप में टीम वर्क चाहिए और बताया कि सफलता की खुशी आपके साथियों को हो तो उसके मायने हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने IMA कॉन्क्लेव में अपनी सफलता का राज बताते हुए एक अच्छे लीडर बनने के टिप्स दिए। इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट। वाराणसी को हल्दिया बन गया, हल्दिया में ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी हो गई, ब्रह्मपुत्र में ड्रेजिंग पूरा हुआ, बराक में पूरा हुआ। और जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आई, उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी आप हमको कृपा करिए, चिंता और दूरी पोर्ट को भी ड्रेजिंग करके बांग्लादेश को जोड़ दीजिए। तो अल्लाह सुषमा जी से बात करिए, अगर वो कहेगी तो मैं कर दूंगा। तुरंत मुझे सुषमा जी का फोन आया कि ये कर दो, तो मैंने बांग्लादेश में जाकर 250 करोड़ खर्चा करके वहाँ भी जोड़ दिया। 12,000 करोड़ का मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, अपने ब्लड बैंक को DPR दिया है। फिर मैं अभी मेरे पास वो मंत्री विभाग नहीं है कि यमुना से दिल्ली से डायरेक्ट बांग्लादेश, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट, पानीपत, मानव की गाड़ियाँ जा सकेगी, चेंज हो जाएगा।